हेलो एवरीवन, आज यहाँ पे जो मेरा क्राफ्ट है वो है रिलेटेड टू हुप। तो जो ये हुप है या हम जिससे कढ़ाई करते हैं उसके लिए ये इस तरह का फ्रेम यूज़ होता है। तो यहाँ पे फ्रेम से मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल हैंगिंग। यहाँ पे मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है वो कपड़ा मैंने यूज़ किया है जो एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होता है, वो कपड़ा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये वाइट कलर का है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ एक सिंपल सा स्लोगन या क्वेटो जो कि आपकी सिंपल सी लाइफ में यूज़ होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये नेल आर्ट वाला गोल्डन कलर का कलर। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिख दिया है, इससे थोड़ा इजीली आप लिख सकते हैं, और ये गोल्डन कलर का है तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा लगभग हो चुका है कंप्लीट। तो जो यहाँ पे मैं फ्रेम यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा हो चुका है एंजॉय द सिंपल थिंग्स इन लाइफ। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्लैक कलर का भी जो कि शेडो के लिए यूज़ हुआ है। अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ फ्लावर्स, एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स। तो उसके लिए मैंने देखिए एक रेड कलर का बनाया है और यहाँ पे एक बनाया है पिंक कलर का। तो उसके लिए आपको एक सर्कल यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे मैंने पेंसिल से सर्कल बना लिया है। इसको हमें डिवाइड करना है पांच हिस्सों में। आप चाहें तो इसको सात में भी डिवाइड कर सकते हैं, पर ये पांच में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बैठता है। इसको आप बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में, किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। बट छोटे साइज़ में क्या होता है, इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है, जस्ट लाइक रोज़ के डिज़ाइन की तरह। तो ये देखिए हमारी ये फाइव पोर्शन में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद कुछ इस तरीके से इसमें कढ़ाई करनी होती है। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है ये, बस इसी तरीके से बनाना होता है। तो हमारा जो फ्लावर है वो हमारा जो है बनके तैयार हो जाता है। धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा इसमें हल्की सी शेप आना जो है स्टार्ट हो गया है। और इसमें जो धागा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ होता है, क्योंकि केवल फ्रंट पार्ट में ही ये वाला जो थ्रेड है वो एम्ब्रॉयडरी का वो यूज़ होता है। तो इसीलिए बैक साइड में नहीं जाता है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये कम यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्लावर जो है बनके तैयार हो गया है। इस तरह से आप जो है रोज़ का फ्लावर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पिंक कलर के दो फ्लावर बनके तैयार हो गए हैं और एक है रेड कलर का, और नीचे भी मेरा बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें बनाऊँगी लीफ, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई नहीं है, तो मैं आपके साथ डायरेक्ट शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ छोटे छोटे से येलो कलर के फ्लावर। इनको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में पहली, दूसरी, तीसरी बार आपको प्रॉब्लम आए, बट आफ्टर दैट कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुत आसानी से ये बन जाते हैं बहुत ईजीली। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है फ्रेम बनके तैयार हो गया है। इसका जो आउटर पार्ट है वो उसमें मैंने जूट से इसको सर्कल किया है, जो फ्रेम का आउटर पार्ट है। और इसके पीछे भी मैंने यूज़ किया था वाइट कलर का कपड़ा, जिससे कि क्या होता है कि जो वाइट कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है और उसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरे पास पुराना कपड़ा था वाइट कलर का ही, तो इसका बैकग्राउंड के लिए मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिट कर दिया था वाइट कलर का कपड़ा। और उसके बाद जो मैंने फ्रेम जो है उसका जो पिन था वो निकाल दिया था, इसको कर लिया था जूट से कवर। जूट से कवर करने के बाद इसको मैंने इसमें कर दिया था फिट। एट द लास्ट मैंने इसमें यूज़ किया था एक बो बनाया था, और बो बना के ऊपर इसको हमने पेस्ट कर दिया था। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका बैक साइड, यह है इसका फ्रंट साइड। तो आपको दिख रहा होगा एक क्यूट सी वॉल हैंगिंग जो है हमारी बन के तैयार हो गई है। यह है मेरा छोटा सा बो, जिससे कि क्या होता है इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो दिखता नहीं है और ऑड नहीं लगता, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लुक आता है। यह है इसका बैक साइड। यहाँ पे मैंने कपड़ा यूज़ किया है और एक कार्डबोर्ड यूज़ किया है, जिससे कि बैक साइड थोड़ा सा गंदा और ऑड ना दिखे। और यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं हैंग। तो देखिए यहाँ पे पीछे से ये हैंगिंग के लिए भी हमारा बन जाता है, कोई स्पेशली हैंगिंग के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बो से देखिए छिप गया है, तो ये ब्यूटीफुल सा हैंगिंग बनके हमारा तैयार हो गया है। आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।